नमस्कार, मैं हूं प्रिया। चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार के 9 आईएएस अफसरों को मिला प्रमोशन। इन सभी आईएएस अफसरों की प्रोन्नति की खबर पटना के गृह विभाग ने खुद ही जारी की है। जारी किए गए अधिसूचना के अनुसार पर्यटन विभाग के अपर सचिव प्रदीप कुमार को विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के अपर सचिव अभयराज को भी विशेष सचिव के पद पर प्रमोशन दिया गया है। आपको बता दें, प्रमोटेड ये सभी अधिकारी साल 2006 बैच के अफसर हैं। इंडियन बैंक ने 138 पदों के लिए निकाली रिक्तियां। इंडियन बैंक ने असिस्टेंट मैनेजर क्रेडिट, मैनेजर क्रेडिट, मैनेजर सिक्योरिटी, मैनेजर फोरेक्स, मैनेजर लीगल, मैनेजर डीलर, मैनेजर रिस्क मैनेजमेंट, सीनियर मैनेजर रिस्क मैनेजमेंट के लिए कुल मिलाकर 138 पदों पर रिक्तियां निकाली है। इन पदों के लिए अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों को विभिन्न पदों के लिए विभिन्न शैक्षणिक योग्यताएं हैं, जिसकी आप पूरी जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर ले सकते हैं। वहीं इन पदों के लिए उम्मीदवार www.indianbank.in पर जाकर 10 फरवरी तक आवेदन भर सकते हैं। बिहार दरोगा बहाली के पीटी परीक्षा के परिणाम की हुई घोषणा। बिहार दरोगा बहाली के पीटी की परीक्षा देने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए अहम सूचना। दरोगा सर्जेंट और सहायक अधीक्षक के लिए हुए संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम की घोषणा कर दी गई है, जिसके तहत इस परीक्षा में कुल मिलाकर 50,072 अभ्यर्थी सफल हुए हैं, जो कि अब आगे होने वाली मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होंगे। आपको बता दें, आयोजित होने वाली यह मुख्य परीक्षा अप्रैल मई में आयोजित करवाई जाएगी। पद्मश्री पाने वालों को कला एवं फिल्म महोत्सव में किया गया सम्मानित। पिछले 4 सालों से लगातार बिहार में कला एवं फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में इस साल भी इस कार्यक्रम का आयोजन पटना की आईएमए और बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ किया गया। हालांकि इस साल का यह कार्यक्रम बाकी सालों के कार्यक्रम से थोड़ा खास रहा। कारण रहा, इस साल आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में बिहार के पद्मश्री से सम्मानित हुए सभी अभिभावकों को यहां भी सम्मानित किया गया, जिसमें डॉक्टर शांति जैन, डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा, डॉक्टर विमल कुमार जैन एवं डॉक्टर शांति राय का नाम शामिल है। बिहार बोर्ड की परीक्षा प्रणाली पर बोले नीतीश कुमार। पटना के अधिवेशन भवन में बिहार बोर्ड की विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन करने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने बिहार के उस दौर का जिक्र किया जब बिहार बोर्ड की परीक्षा के दौरान 2-3 मंजिलों तक लोग परीक्षार्थियों की मदद के लिए खड़े थे, जिसके बाद से बिहार की परीक्षा प्रणाली पर सवाल भी उठाए जाने लगे। उन्होंने आगे कहा कि वो मंजर ऐसा था जिसने बिहार को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शर्मिंदा किया था। कोरोना के होने की बिहार में 3 और लोगों पर आशंका। चीन से शुरू हुआ यह कोरोना अपनी पैठ अलग अलग देशों में बना रहा है। वहीं हम बिहार की बात करें तो हाल ही में छपरा की एक महिला चिकित्सक में कोरोना के लक्षण होने की आशंका जताई गई थी। हालांकि अभी उस बात की कोई पुष्टि नहीं की गई है। खबरों की माने तो बिहार में अब 3 और नए व्यक्तियों को अंकित किया गया है, जिनके अंदर कोरोना के होने की आशंका जताई जा रही है। अब आइए जानते हैं बिहार की जानी मानी हस्ती के बारे में। आज हम बात करेंगे डॉक्टर शांति राय की। हाल ही में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित डॉक्टर शांति राय का जन्म बिहार के गोपालगंज जिले में हुआ था। डॉक्टर शांति राय पेशे से गायनोकोलॉजिस्ट हैं। बिहार के गोपालगंज जिले की रहने वाली शांति राय सिवान में अपने फील्ड की प्रैक्टिस करती थी, लेकिन अब वो पटना में कार्यरत है। शांति राय को उनके चिकित्सा के क्षेत्र में उम्दा प्रदर्शन के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया है। पटना के श्रीकृष्ण साइंस सेंटर में देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। 1978 में बिहार की राजधानी पटना में बने श्रीकृष्ण साइंस सेंटर शिक्षा के क्षेत्र में आकर्षण का केंद्र है, जहां पर आपको विज्ञान के विभिन्न सिद्धांतों को प्रदर्शित करने के लिए एक अद्भुत प्रदर्शन का एक संग्रह देखने को मिलेगा। यह श्रीकृष्ण साइंस सेंटर विशेष रूप से छात्रों के बीच बहुत लोकप्रिय है। आपको बता दें, गांधी मैदान स्थित इस साइंस सेंटर का नाम बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह के नाम पर रखा गया था। भागलपुर जंक्शन पर चांदो सौदागर और बिहुला की कहानी से रूबरू होंगे यात्री। भागलपुर जंक्शन को केंद्र सरकार की बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और स्वच्छ भारत के संदेश से अब सजाया जाएगा। इसके साथ ही चांदो सौदागर और बिहुला की कहानी से भी रूबरू होंगे। दीवारों पर विभिन्न कंपनियों के होर्डिंग और बैनर की जगह खूबसूरत मिथिला पेंटिंग से सजाया जा रहा है। मिथिला और मधुबनी पेंटिंग के कलाकार पूरे स्टेशन को सजा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, जंक्शन पर पेंटिंग से दीवारों को संवारने का काम मुख्य चित्रकार प्रभाष झा और विपुलस कुमार की टीम कर रही है। भारत का यह इकलौता गांव जिसके नाम 3 पद्मश्री पुरस्कार दर्ज किए गए हैं, बिहार की नहीं बल्कि यह उपलब्धि इस गांव को पूरे भारत में मिली है। और वह गांव है मधुबनी जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर रहीका प्रखंड के नाजिरपुर पंचायत का जितवापुर गांव। यह गांव आज किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। कहने को तो यहां मात्र 670 परिवार का बसेरा है, मगर इस गांव का इतिहास गौरवशाली रहा है। हाल ही में मिला पद्मश्री सम्मान इस बात का प्रमाण है, और यह सम्मान सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं बल्कि 3 व्यक्तियों को दिया गया है। ज्ञात हो, भारत के इस पूरे इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। STET 2019 थोड़ी रुकावट के साथ हुआ संपन्न। लंबे इंतजार के बाद STET 2019 की परीक्षा का किसी तरह समापन हुआ। हालांकि कुछ जगहों पर कई छात्रों ने हल्ला भी मचाया। कुछ केंद्र ऐसे रहे जहां पर छात्रों की मनमानी देखने को मिली। वहीं मुजफ्फरपुर और गोपालगंज की बात करें तो वहां हालात हाथों से बाहर निकलता देख परीक्षा समिति ने पहली पारी की परीक्षा को स्थगित कर दिया था। छात्रों की माने तो कई ऐसे परीक्षा केंद्र थे जहां पर प्रश्न पत्र खुले लिफाफे में आए थे।
एसएसपी पहुंचे पटना यूनिवर्सिटी के हॉस्टलों का निरीक्षण करने। आगामी सरस्वती पूजा को लेकर पटना में प्रशासन ने चाक चौबंद लागू कर दिए। इसी क्रम में पूजा के दिन किसी भी तरह की गड़बड़ियों को अनदेखा करने के लिए एसएसपी उपेंद्र कुमार शर्मा इन दिनों निरीक्षण पर लगे हुए हैं। इसी कड़ी में अपने निरीक्षण दौरे पर वो पटना यूनिवर्सिटी पहुंचे, जहां पर उन्होंने छात्रों से बातचीत की, साथ ही पूजा के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी की। इसके अलावा एसएसपी ने सभी छात्रों से चंदा से संबंधित या किसी भी बात को लेकर बेवजह विवाद खड़ा न करने का आदेश भी दिया। भागलपुर के जरदालू आम और कतरनी चावल को बढ़ावा देगी राज्य सरकार। सभी भागलपुर के किसानों के लिए खुशखबरी। बिहार सरकार अब भागलपुर के जरदालू आम और कतरनी चावल को बढ़ावा देने जा रही है, जिसके तहत अब राज्य सरकार बड़ी योजना पर काम करने का मन बना रही है। राज्य सरकार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार की माने तो अब तक 15 प्रमुख जिलों के कृषि उत्पादों की पहचान कर ली गई है, जिसका प्रमोशन अब राज्य सरकार खुद से करेगी। आपको बता दें, उक्त बातें कृषि मंत्री प्रेम कुमार भागलपुर कृषि कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। रेलवे ने 10वीं पास अभ्यर्थियों के लिए निकाली रिक्तियां। सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी। मोदी सरकार जल्द ही इन सभी युवाओं के लिए और खासकर 10वीं पास युवाओं को सुनहरा अवसर देने जा रही है, जिसके तहत रेलवे विभाग ने 1273 पदों पर बहाली के लिए आवेदनों की मांग की है और यह बहाली पश्चिम मध्य रेलवे के अप्रेंटिस के पदों के लिए निकाली गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 14 फरवरी तक www.mponline.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं और साथ ही इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी भी ले सकते हैं। वाम दलों द्वारा 29 जनवरी को रहेगा भारत बंद। सीएए और एनआरसी के मुद्दे पर विपक्षी खेमे में शांति देखने को मिल ही नहीं रही है। हालात तो ऐसे हैं कि अभी भी देश भर में कई ऐसे जगह हैं जहां पर अभी भी विरोध जारी है। दिल्ली का शाहीन बाग और पटना का सब्जी बाग इस बात का प्रमाण है। ऐसे में एक बार फिर से वाम दलों ने मिलकर भारत बंद करने का आह्वान किया है, जिसके तहत 29 जनवरी को भारत बंद रहेगा। वहीं बिहार की बात करें तो बिहार के भी इन दलों ने इस बंद का समर्थन किया है, जिसमें राजद, कांग्रेस, हम, रालोसपा और जाप का नाम शामिल है। नीतीश कैबिनेट के मंत्री ने थामा राजद का हाथ। जी हां, आपने सही सुना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंत्री और जदयू के पूर्व प्रदेश महासचिव साथी हाजीपुर के दिग्गज नेता देव कुमार चौरसिया का जदयू से अब मन भर चुका है। इसीलिए तो इन्होंने अब जदयू का हाथ छोड़कर राजद की उंगली थामने का निर्णय लिया है, जहां पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इन्हें राजद की सदस्यता दिलवाने का ऐलान भी कर दिया है, जिसके पश्चात अब जल्द ही तेजस्वी यादव की उपस्थिति में वो लालू की पार्टी ज्वाइन भी कर लेंगे। लोजपा के प्रदेश कार्यकारिणी का किया गया गठन। इस चुनावी साल में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए सभी पार्टियों ने तैयारियों का सिलसिला शुरू कर दिया है। इसी क्रम में लोजपा ने भी हाल ही में अपने प्रदेश कार्यकारिणी का गठन किया था, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज के नेतृत्व में 122 सदस्यीय टीमों का गठन किया गया। आपको बता दें, प्रदेश कार्यकारिणी की इस बैठक में सभी जिलाध्यक्ष, सभी सांसद, विधायक, बिहार के सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्षों और प्रधान महासचिव समेत राष्ट्रीय पदाधिकारी भी इस कार्यकारिणी का हिस्सा बने। नवादा वासियों के लिए सुशील मोदी ने किया बड़ा ऐलान। गया, राजगीर और बोधगया के बाद उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने नवादा वासियों के लिए बड़ा ऐलान किया है, जिसके तहत बोधगया में जल्द ही पाइपलाइन से गंगा नदी का पानी पहुंचाने का वादा किया है, जिसके लिए उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बोधगया में 2836 करोड़ की लागत में 190 किलोमीटर पाइपलाइन के जरिए पेयजल पहुंचाने के वादे पर मुहर लगाई है। आपको बता दें, उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के इस ऐलान के बाद 2021 जून तक इस परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। राजद ने फिर छेड़ा पोस्टर राग। बिहार की राजनीति में पोस्टर का खेल थमने का नाम ही नहीं ले रहा है और इस खेल के दो अहम खिलाड़ी जदयू और राजद में से कोई भी पीछे कदम खींचने के मूड में नजर नहीं आ रहा है। वर्तमान परिस्थितियों को देखें तो कुछ ऐसा ही प्रतीत हो रहा है, जिसके तहत राजद ने एक बार फिर से अपना एक नया पोस्टर जारी किया है, जिसमें नीतीश सरकार पर तंज कसते हुए लिखा गया है कि अंधेरी नगरी वाली है चौपट ये सरकार, जहां पर पोस्टर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का चेहरा चिपकाया गया है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा टी20 आज। सीरीज पर कब्जा जमाने के इरादे से उतरेगा भारत। पांच मैचों की टी20 सीरीज के शुरुआती दोनों मुकाबले जीतकर सीरीज में 2-0 की बढ़त हासिल कर चुकी भारतीय टीम हैमिल्टन में आज तीसरा मुकाबला जीतकर सीरीज पर कब्जा करना चाहेगी। अगर भारत की प्लेइंग 11 की बात करें तो उम्मीद है कि लगभग वही टीम खेलेगी जो शुरुआती दो मुकाबले में खेली है। मैच के शुरू होने का टाइम वही 12:30 बजे है। अगर पिच की बात करें तो यह पिच बल्लेबाजों के अनुकूल मानी जाती है, हालांकि पिच पर घास का एक अच्छा कवर छोड़ा गया है, इसीलिए कहा जा सकता है कि तेज गेंदबाजों को इससे थोड़ी मदद मिल सकती है। राधे के क्लाइमेक्स सीन के लिए करोड़ों रुपए खर्च करेंगे सलमान। सलमान खान की अपकमिंग फिल्म राधे आने से पहले ही सुर्खियां बटोर रही है, और बटोरे भी क्यों ना, आखिर ये फिल्म भी तो सलमान खान की है। इसी क्रम में सलमान की राधे एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है और इस बार अपने क्लाइमेक्स सीन को लेकर मिडडे की एक रिपोर्ट की माने तो सलमान खान आने वाली फिल्म के 20 मिनट के क्लाइमेक्स सीन के लिए 7.5 करोड़ रुपए खर्च करने वाले हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि ईद के समय में आने वाली इस फिल्म में सलमान के साथ दिशा पाटनी और प्रभु देवा भी नजर आने वाले हैं।
अब आइए जानते हैं कुछ घरेलू उपायों के बारे में। आज हम बात करेंगे गाजर की। सर्दियों के मौसम में वैसे भी सब्जियों के बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास मौजूद होते हैं, ऐसे में उन सब्जियों का सही तरह से सेवन करना बेहद ही जरूरी हो जाता है। सर्दियों के मौसम में अक्सर बाजार में गाजर बड़े ही सस्ते भाव में मिल जाते हैं, लेकिन भले ही गाजर सर्दियों में सस्ते दाम में मिलते हो मगर इसके फायदे महंगी महंगी चीजों के सेवन से भी नहीं मिल सकते। गाजर आंखों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, साथ ही गाजर में कैलोरी कम होने की वजह से इसका सेवन हर वजन के लोग कर सकते हैं। इतना ही नहीं, गाजर स्किन से जुड़ी समस्याओं को भी दूर करता है। रोजाना एक ग्लास गाजर का जूस पीने से मेटाबॉलिज्म में सुधार आता है, साथ ही थकान कम करने में काफी कारगर साबित होता है। प्रशांत किशोर और पवन वर्मा को लेकर जदयू ने कही बड़ी बात। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने प्रशांत किशोर और पवन वर्मा को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि जदयू अपने स्टैंड को लेकर बिल्कुल ही क्लियर है। अब पार्टी को इन दोनों नेताओं की कोई खास जरूरत नहीं है। अब जल्द ही इन दोनों नेताओं को जदयू के पदभार से मुक्त कर दिया जाएगा। आपको बता दें, वशिष्ठ नारायण सिंह का यह बयान प्रशांत किशोर और पवन वर्मा के लगातार एनआरसी और सीए के मुद्दे पर जदयू पार्टी के खिलाफ कर रहे बयानबाजी को देखते हुए आया है। एयर इंडिया के शेयर्स बेचने के खिलाफ हुआ जदयू। एक बार फिर से जदयू और भाजपा एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए हैं, और इस बार मुद्दा है एयर इंडिया की नीलामी का, जहां पर जदयू के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी ने केंद्र सरकार के 100% हिस्सेदारी बेचने के फैसले को गलत करार दिया है। इसके साथ ही केसी त्यागी ने तो केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे विदेशी विनिवेश को भी गलत करार दिया है। आपको बता दें, कर्ज में डूबी एयर इंडिया की नीलामी के लिए केंद्र सरकार ने 17 मार्च तक बोलियों की मांग की है, जिसके तहत खरीदारी के लिए एयर इंडिया के सिर्फ 23,286.5 करोड़ रुपए के कर्ज की जिम्मेदारी लेनी होगी। चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। तो आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आज न्यूजीलैंड और भारत के बीच होने वाले तीसरे T20 मैच में भारत को कौन सी रणनीति के साथ मैच में अपनी जीत सुनिश्चित करनी चाहिए? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।